हेलो क्लैशर्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं शुभम, मैं हाजिर हूं आप लोग के सामने एक न्यू क्लैश ऑफ क्लैन के ब्रांड न्यू एपिसोड के साथ। तो गाइस, आप लोग में से काफ़ी लोगों का ये क्वेश्चन आया था कि जो न्यू सीजनल चैलेंजेस आया है, इसमें दोस्तों आप लोग ने पूछा था कि सीजनल बैंक एक्चुअली में है क्या, या फिर ये जो पर्क्स है वो क्या है, क्या पर्क्स हर सीजन चेंज हो जाएगा, क्या सीजनल बैंक की स्टोरेज हर सीजन डिफरेंट होगी, क्या अगर हम लोग गोल्ड पास इस सीजन परचेज नहीं करते हैं तो जो लास्ट में बेबिलियन किंगर स्किन दिख रहा है वो हम लोग को वापस बाद में कभी भी देखने को मिलेगा कि नहीं। तो बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोग के द्वारा पूछे गए थे गाइस। तो चलिए आज इस वीडियो में हम लोग नॉर्मली जो सीजन बैंक है और जो पर्क्स है इसकी फुल डिटेल में आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। सभी क्वेश्चंस के मैं आप लोग को आंसर्स दूंगा जिससे आप लोग को एक बेटर मैनर में समझने में आसानी होगा। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा अगर 100% इन्फॉर्मेशन आप लोगों को ग्रैब करना है तो गाइज। तो चलिए शुरू करते हैं ना यार आज का ये वीडियो। तो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे सीजन बैंक है क्या। तो सीजन बैंक दोस्तों एक तरह का क्लैश ऑफ क्लैन में सिस्टम है जिसमें आप लोग को फ्री रिसोर्स हर एक सीजन के लास्ट डेट में मिलने वाला है। वो कैसे वर्क करता है मैं इस पर फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को बता देता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप लोग मल्टीप्लेयर में किसी भी बेसिस पे 1 लाख आप लोग ग्रैब करते हैं तो 1 लाख आपके स्टोरेज में तो फिल होता ही होता है, 1 लाख आपके सीजन बैंक में भी आके स्टोर हो जाता है। इसकी एक लिमिटेशन होती है दोस्तों, अगर फ्री पास की हम लोग बात करें तो फ्री पास में 50 लाख गोल्ड लिग्जियर तक स्टोर हो सकता है एंड 50,000 तक डार्क लिग्जियर। और अगर आप इसे गोल्ड पास में कन्वर्ट करते हैं तो गोल्ड पास पे 2,50,00,000 तक गोल्ड लिग्जियर स्टोर करके रख सकते हैं एंड डार्क लिग्जियर 2,50,000 तक स्टोर करके रख सकते हैं। ये बेसिक्स मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स थी जो आप लोग सभी को जानना चाहिए था सीजन बैंक से रिलेटेड। अब आप लोगों के द्वारा पूछे गए क्वेश्चंस के मैं आंसर दे देता हूं इस जगह। उसके पहले मैं गाइस बता दूं, नेक्स्ट सीजन में आप लोग को आर्चर क्वीन की न्यू स्किन देखने को मिलेगी। सुपर सेल के कम्युनिटी मैनेजर डैरियन का ये कहना है कि नेक्स्ट आने वाले सीजन में हम लोग बहुत सारे स्किन पर वर्क कर रहे हैं जिसमें से आप लोग को आर्चर क्वीन की स्किन देखने को मिल जाएगी। तो गाइस यहां पे देखते हैं कौन से स्किन सुपरसेल आर्चर क्वीन की लाती है नेक्स्ट सीजन में। सो गाइस यहां पे मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि कोई भी सीजन में अगर आप लोग सीजनल पास परचेज नहीं करते हैं तो आप लोगों को उस सीजन की स्किन नहीं मिलेगी। जैसे कि आप लोग अप्रैल सीजन के पास अगर परचेज नहीं करते हैं तो ग्लैडिएटर स्किन की जो पेवेलियन किंग की स्किन है वो आप लोग को देखने को नहीं मिलेगी क्लैश ऑफ क्लैन में। इन कभी भी इन फ्यूचर सेम स्किन रिपीट नहीं होगा। और मैं ये भी बता दूं आप लोगों को ये स्किन परमानेंट होने वाला है, ऐसा नहीं कि ये अप्रैल के सीजन में आया है ग्लैडिएटर स्किन तो ओनली अप्रैल के सीजन तक ही रहेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा गाइस। आप लोग का लाइफ लॉन्ग ये ग्लैडिएटर स्किन आप लोग के पास रहेगा जिसे आप लोग होम स्क्रीन में जा करके बबीरियन किंग के स्टैचू पर क्लिक करके आप लोग यहाँ पे स्किन चेंज कर सकते हैं। ये परमानेंट रहेगा अगर आप लोग ग्रैब कर लेते हैं एक तो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गाइस यहाँ पे कि सीजन बैंक और पर्क्स हर वक्त चेंज होगा या फिर नहीं, सीजन बैंक की जो स्टोरेज है हर एक सीजन डिफरेंट रहेगी या फिर सेम रहेगी। तो मैं आप लोगों को बता दूं गाइस सीजन बैंक की स्टोरेज हर एक सीजन में सेम आप लोगों को देखने को मिलेगी और पॉक्स में चेंजेस आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, वो सुपर सेल के पे डिपेंड करता है कि उस समय वो पॉक्स के तौर पर क्या लाना चाहते हैं क्लैश ऑफ क्लैन में। हो सकता है किसी बार बिल्डर बूस्ट ना आए, कोई न्यू थिंग्स आ जाए, तो ये डिपेंड करता है दोस्तों। सो गाइस आप लोग का ये भी क्वेश्चन था कि हम लोग सीजनल बैंक के स्टोरेज को किस तरह से कलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को यहां पे बता दूं जैसे ही सीजनल बैंक का स्टोरेज फुल होता है तो आप लोगों के रिसोर्स फिर सीजनल बैंक पर कलेक्ट नहीं होंगे और जैसे ही सीजन एंड होगा वो सारे स्टोरेज ऑटोमेटिक आप लोगों के स्टोरेज में आकर के यहां पे कलेक्ट हो जाएंगे दोस्तों।
यहाँ पे कलेक्ट होने के बाद आप लोग फिर ट्रेजरी से आप लोग रिसोर्स कलेक्ट नहीं कर पाएंगे जब तक आप लोग यहाँ पे स्टोरेज में कोई भी स्पेस नहीं बनाते हैं, ना ही कलेक्टर्स के द्वारा कलेक्ट किए गए रिसोर्स को कलेक्ट कर पाएंगे जब तक आप लोग के स्टोरेज में कोई भी स्पेस खाली नहीं होता है। सो ये बेसिक्स क्वेश्चन थे सीजन बैंक से रिलेटेड जो कि आप लोग का जानना काफी जरूरी था। होप सो आप लोगों को सीजन बैंक से रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे पर्क की बात करते हैं। सो आप लोग के द्वारा बहुत सारा क्वेश्चन ये पूछा गया था हर सीजन हम लोग को क्या 20% ही बिल्डर बूस्ट, रिसोर्स बूस्ट या फिर ट्रेनिंग बूस्ट देखने को मिलेगा और 1 जेम डोनेशन या फिर नहीं। तो गाइज मैं ये चीज थोड़ी देर पहले भी आप लोग को बता चुका हूँ, हर सीजन पर्क्स में आप लोग को चेंजेस देखने को मिल सकती है। हो सकता है किसी सीजन में आप लोग को बिल्डर बूस्ट ना मिले या फिर ट्रेनिंग बूस्ट ना मिले, उसके द्वारा कुछ न्यू थिंग्स आप लोग को देखने को मिल जाए। हो सकता है कि नेक्स्ट सीजन में आप लोग को 40% तक बिल्डर बूस्ट देखने को मिल जाए, वो डिपेंड करता है क्लैश ऑफ क्लैन पे। बाकी के मैं आप लोग को बता दूं गाइस कि बिल्डर बूस्ट क्या है। बेसिकली बिल्डर बूस्ट आप लोग के बेसिस पे जितनी भी बिल्डिंग्स है गाइस उन सभी को 20% जल्दी कंप्लीट करेगा विद 20% कम रिसोर्स के साथ। एग्जांपल के तौर पे आप लोग वॉल को भी इंक्लूड कर सकते हैं इस चीज में, वॉल भी 20% कम रिसोर्स के साथ यहाँ पे अपग्रेड हो जाएगी। और साथ में जितने भी बिल्डिंग्स है हीरो को अपग्रेड करते हैं तो हीरो भी 20% कम रिसोर्स लेगी और 20% जल्दी अपग्रेड भी हो जाएगी। यहाँ पे देख सकते हैं ग्रैंड वार्डन 26 में जाने के लिए 7 डेज का टाइम लगाता था और यहाँ पे अब 6 डेज 7 आवर का ही टाइम लगा रहा है, जो कि हम लोग के पास अभी 10% ही बिल्डर बूस्ट अवेलेबल है। 20% करने के बाद ये 5 डेज कुछ आवर लगाएगी गाइज, जो कि काफी अच्छा है। सो यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग रिसोर्स बूस्ट की बात करते हैं। रिसोर्स बूस्ट में आप लोग को यहाँ पे लेबोरेटरी में जितनी भी ट्रूप्स स्पेल एंड सीज वेपन है इन सभी पे 20% तक की लेस रिसोर्स लगेगी और एंड साथ में 20% ये सभी जल्दी अपग्रेड भी हो जाएगा। जस्ट लाइक यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे मैं दिखा देता हूँ, हम लोग का विजार्ड पहले 14 डेज टाइम लगाता था अपग्रेड होने में, अभी 11 डेज 21 आवर ही लगा रहा है। बेसिकली अभी मेरे पास रिसोर्स बूस्ट 15% है, 20% होने के बाद और कम हो जाएगा। ट्रेनिंग बूस्ट में गाइज यहाँ पे जितने भी आप लोग के बेसिस पे आर्मी से रिलेटेड थिंग्स है, जस्ट लाइक आप लोग यहाँ पे ले सकते हैं स्पेल ब्यूरिंग या फिर ट्रुप्स ट्रेनिंग या फिर सीज वेपन की ट्रेनिंग या फिर हीरो की रीजनरेशन टाइम, ये सभी चीज पे आप लोग को 20% तक की ह्यूज डिस्काउंट मिलेगी उसके ट्रेनिंग कॉस्ट पे और साथ में ही उसके टाइमिंग पे 20% की रिवेट मिलेगी। जस्ट लाइक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, पहले यहाँ पे ट्रेनिंग में आप लोग कोई भी ट्रुप्स को ले लीजिए, जैसे कि मैं यहाँ पे इलेक्ट्रो ड्रैगन को ले लेता हूँ, तो इलेक्ट्रो ड्रैगन की जो पहले टाइमिंग थी वो 6 मिनट थी जो कि अब चेंज होकर 5 मिनट 24 सेकेंड हो गई है, तो ये मैक्सिमम 20% तक इंक्रीज कर सकता था। बेसिकली ये सिंपल थिंग्स थे जो कि आप लोग को समझना काफ़ी ज़रूरी था पर्क्स और सीजनल बैंक में। और भी कोई क्वेश्चन अगर आप लोग के द्वारा रह गया तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं गाइज। हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, क्लैश ऑन।